नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं नियत जिसल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले जेके पीएसआई, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, दोनों की जर्नलिस्टें जो है वो स्क्रैप हो चुकी। क्योंकि स्क्रैप इसलिए हुई कि उनके जो एस्पिरेंट्स थे जो सिलेक्ट नहीं थे, उन लोगों ने पूरे पुख्ता सबूत जो है बाहर तक रखे, जिससे पता चला कि शायद इसके ऊपर स्कैम हुआ और उसके बाद वो लिस्टें जो है वो स्क्रैप कर दी गई। जिस तरह से कल शाम को अब पब्लिक की लिस्ट भी जो स्क्रैप हो गई, अब ये जो एस्पिरेंट्स हैं ये वो हैं। आप पीछे पढ़ सकते हैं जेएनके फायर सर्विस रिक्वायरमेंट्स, ये पढ़े जरा आप। डन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन, नेपटिज्म, फेवरिज्म, क्या क्या मतलब। अब ये चीज जो सब कही जा रही है, ये कहा जा रहा है फायर एंड एमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें जो भर्ती हुई थी उसकी बात की जा रही है कि इसमें भी जो है बड़े लेवल पर धांधली हुई है। तो जरा धांधली जिस तरह से हुई है जरा बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से आप कहते हैं कि इसमें भी जो है वो स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, जरा विस्तार से बताएं हमें। देखो सर, 2020 में जब ये लिस्ट मंजर आम पर आया है, हमने उस वक्त भी मतलब सड़कों पे आए हैं, चिल्लाए, पुलिस के डंडे खाए, और हमारे पास एज वी हैव प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, आई विटनेस भी हमारे पास है, जिसने कोर्ट में लिख के दिया सर मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा है, और मैंने उस आई विटनेस को गवर्नर साहब के सामने खड़ा कर दिया है। गवर्नर साहब के पास आप मिलने के लिए कब गए? मैं मिल गया 1 अगस्त, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब को मैंने वो आई विटनेस दिखाई, और आई विटनेस को थट जा रहे फायर सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप इसमें हटिए, हम आपको ये करेंगे। वो आप अकेले गए थे मिलने के लिए? चार बंदे हम गए गवर्नर साहब से मिलने के लिए। कौन थे वो? मेरा नाम है समीर, मुनीर, गजनफर और निसार, मिल गए गवर्नर साहब से, और उन्होंने हमें फुल एश्योरेंस के साथ बोला कि इसमें जो क्वालिफिकेशंस होंगे हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, और इस आने वाले दिनों में हम उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो हम गवर्नर साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम उसको शुक्रगुजार करते हैं कि उसने कल FAA का लिस्ट कास्ट किया है, JEE का लिस्ट कास्ट किया, वो शक के बुनियाद पर कास्ट हुआ है, हमारे पास पूरे सबूत है। ये देखिए, बड़गाम के एक ही बाप के पांच बेटे, एक बेटा इंटेलिजेंट हो सकता है? पांच बेटे कैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं? आप मुझे बताइए, ये गुलाम अहमद डार के पांच बेटे, अगर उसके और बेटे होते ये लिस्ट और खाता। ये नीचे एक कजन, इनके कजन लगती है, ये पूरा बड़ा रिलेशन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन इसमें है। मतलब जितना भी आपने ये चार्ट बनाया हुआ, इसमें सब पे यही दिया हुआ है कि हमने थोड़ा बहुत निकाला है, इसमें 750 वैकेंसीज है, एक लड़का भी अपनी काबिलियत से नहीं गया है, ये पूरा नेपोटिज्म है। एग्जाम से पहले एक दिन पहले ये पेपर बिक चुका है पूरे मार्केट में, 30,000, 40,000, 50,000, 3 लाख, 6 लाख, 2.5 लाख। हम गवर्नर साहब से यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम आपके ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह आपने PSI में 3 मेंबर की कमेटी बिठाई, इसी तरह फायर सर्विस में भी 3 मेंबर की कमेटी बिठाए, और इसमें खाली 24 घंटे के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए इसमें। अपने कैमरामैन से ये कहूंगा यार ये दिखाएं विजुअल, ये देख सकते हैं आप कैंडिडेट्स के नाम है, और साथ में ही ये आप पढ़ सकते हैं गुलाम मोहम्मद दार, मतलब जो पेरेंटेज दी है वो सेम दी है, नीचे इसके जो है वो इनके कजन है, तो लगभग एक ही घर से 9 जो है कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद ब्रदर्स हैं 5 और कजन हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं रसू बडगाम, ये सब एक ही जगह के हैं, और मार्क्स, अब ये लिस्ट जो सिलेक्शन लिस्ट है ये बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल वही है। एक लड़का अंडर हाइट है, एक लड़का अंडर चेस्ट है, वो भी सिलेक्ट कर दिया गया है, एक लड़का बिल्कुल फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुआ है, और जब हमने लिस्ट देखा है वो अभी भी जॉब कर रहा है, उसको डिपार्टमेंट वालों ने अभी तक नहीं निकाला है। हम बहुत बड़े शुक्र गुजार है अभिनव शर्मा के, जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जम्मू के, उसने हमें गवर्नर साहब से मिलाया है, और गवर्नर साहब ने हमें एक वादा दिया है कि आने वाले दिन में मैं से स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। हम यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब को कि मेहरबानी कीजिए, हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, जल्द से जल्द इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है सर। पिक्चर देख रहा हूँ ये आउटबोर्ड में, ये कौन सी पिक्चर है, ये क्या, जरा ये बताएं जरा। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एग्जाम से एक दिन पहले ये हाउस बोट में ये पेपर कर रहे हैं, एक दिन पहले, ये हमारे पास वीडियोस भी हमारे पास पड़े हुए हैं, ऑडियोस भी हमारे पास पड़े हुए हैं, और इमेजेस भी। ये सारी बातें आपने गवर्नर साहब को कही? हाँ, हमने गवर्नर साहब को कही, उसने कहा कि पहली दफा मेरे संज्ञान में आई है। क्यों पहली दफा इसमें संज्ञान में आई है? क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेट्स कुछ इधर इधर कर रहे हैं, क्योंकि इस फायर सर्विस डिपार्टमेंट में संतरी से मंत्री तक बिल्कुल चोर है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। ये बिल्कुल वही कैंडिडेट है जो एक दिन पहले फायर सर्विस में पेपर कर रहे, गोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा
आज तक इतना बड़ा स्कैम हमने नहीं देखा है। 850 कैंडिडेट्स 88 मार्क्स से लेकर 90 मार्क्स तक 850 कैंडिडेट्स को उनको उन्होंने भर दिया है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, गवर्नर साहब मेहरबानी कीजिए, कुछ ही दिनों में इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अगर आप इस पे ट्वीट नहीं करेंगे तो हम जंतर मंतर जाएंगे, अमित शाह से मिलेंगे। वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी सर। सीबीआई इंक्वायरी की मांग, यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी की जो रिक्वायरमेंट थी जिसके ऊपर भर्ती हुई उसकी भी मांग जो है अब सीबीआई की मांग की है वो यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो आप पीछे आप जो लिस्ट देख रहे हैं ये सेम इन्होंने कहा है, जो सिलेक्शन लिस्ट निकली है वो हमने यहाँ पे प्रिंट की है और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका कहना है कि एक ही घर से 5 जो कैंडिडेट्स हैं, दूसरा इनके 4 कजन है, तो लगभग एक ही जगह के 9 कैंडिडेट, उसके बाद कुछ नीचे 4 हैं, तो अलग अलग जगह से इन लोगों ने बना के जो है यहाँ पर पूरा चार्ट जो है आपके सामने साफ तौर पे दिख रहा है। दूसरा हाउस बोट में जो बैठकर पेपर कर रहे हैं वो भी तस्वीर है इनके पास। इनका ये भी कहना है कि हमारे पास वीडियोस भी हैं, हमारे पास सब फोटोग्राफ्स और आई विटनेस जो कि हम चाहिए वो भी सब यहाँ पर। अब देखने वाली बात यह है कि पहले JKPSI उसके बाद FAA, अब कहीं ना कहीं फायर एंड इमरजेंसी के जो कैंडिडेट्स थे वो भी लोग जो हैं आज बाहर निकले हैं। एक बार पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था पर अब इनको उम्मीदें ऐसी लग रही हैं कि जिस तरह से FAA भी जो है वो स्क्रैप कर दी गई है, इसके ऊपर भी अगर इनकी मुलाकात जो है वो LG साहब से होती है और इनका कहना है साफ तौर पर कि हमारे पास आई विटनेस हैं, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, वो जो पेपर लीक हुए हैं उसके सब जो है हमारे पास पुख्ता सबूत पड़े हैं, ये लिस्ट आपको कहीं ना कहीं कुछ दर्शाती है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्योंकि जिस तरह से ये चार्ट में दिखाया जा रहा है कि एक ही घर से 9 कैंडिडेट्स निकल कर रहे हैं, तो इंक्वायरी इनकी भी यही मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो जल्द से जल्द जो है फायर एंड इमरजेंसी के भी रिक्वायरमेंट्स की होनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NEWS Digital TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।